हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं मुरमुरा लड्डू। इस लड्डू को हम यूपी और बिहार में लाई के नाम से जानते हैं और वहां पे ये संक्रांत के त्यौहार में बनता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, मैक्सिमम आपको 25 से 30 मिनट ही लगते हैं और ये जो लड्डू है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज इस मुरमुरा लड्डू की रेसिपी को शुरू करते हैं। मुरमुरा लड्डू या पफ्ड राइस बॉल बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मुरमुरा, गुड़ मैंने लिया है 250 ग्राम। इस रेसिपी में हमें बस यही दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन गरम करें हाई फ्लेम पे। जैसे ही पैन गरम हो जाए अच्छी तरह, ये देखिए, गैस का फ्लेम लो कर दें और फिर हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ की बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल होती है, आपको जो अवेलेबल हो वो यूज़ करें। और ये मैंने गुड़ डाल दिया इसमें। पहले हम गुड़ को लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। अगर हम इसे हाई या मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करेंगे तो गुड़ जो है वो जलने लगेगा, तो पहले 1 से 1.5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे छोड़ दें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगा है। थोड़ी देर बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम गुड़ को गलने के लिए छोड़ देंगे। इसे चलाते रहें ऐसे और आप देख सकते हैं कि मैं मीडियम फ्लेम पे गुड़ को गला रही हूँ और इसके सारे जो बड़े टुकड़े हैं वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुके हैं। ये देखिए, इसे हम 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे। गुड़ को हमें किस लेवल तक पकाना है तो उसका एक प्रोसेस है, एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले गैस का फ्लेम कम कर दें और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें। इस पानी में हम इस गुड़ की जो सिरप बना के रखे हैं इसके कुछ बूंद डाल दें, ये देखिए, और पानी को ऐसे मूव करें। अगर ये पानी में मिक्स हो जाता है तो गुड़ को और पकाना है, और अगर ये सॉलिड बन जाता है पानी में, मतलब हमें गुड़ को इतना ही पकाना है, तो गैस को ऑफ कर दें। और ये मैंने गुड़ को पूरा गला लिया है। अब हम इसमें मुरमुरा डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके मुरमुरा डालें। गैस को ऑफ करने के बाद ही मुरमुरा इसमें डालें। ये देखिए, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप इसमें मुरमुरा थोड़ा और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम गुड़ में 100 ग्राम मुरमुरा यूज़ किया है। इसे मिला दें अच्छी तरह। और ये मैंने मुरमुरा को मिला दिया है गुड़ में। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे, ये देखिए। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक चम्मच रख दें इसमें और थोड़ा सा पानी ले लें एक बर्तन में। लड्डू बनाने के लिए क्या करेंगे कि थोड़ा सा ठंडा पानी अपने हथेलियों पर रख लें, क्योंकि ये जो गुड़ है वो बहुत ही गर्म होता है, तो बहुत ही सावधानी से करें और इसे पूरा ठंडा ना होने दें। जब ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा गर्म रहे तभी आप ये बॉल बनाएं, नहीं तो बॉल नहीं बनेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक लड्डू बनाया। ठीक इसी तरह से हम सारे लड्डू या बॉल्स बना लेंगे। हाथों में घी लगा के ये लड्डू ना बनाएं, क्योंकि अगर आप हाथों को घी से चिकना करके ये लड्डू बनाएंगे तो गुड़ जो है वो गर्म है और घी में आके वो और गर्म हो जाएगा, तो आपके हाथों में छाले पड़ने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए आप थोड़ी सावधानी रखें, हाथों को ठंडे पानी से ऐसे चिकना करके और ये बॉल्स बनाएं ऐसे। इस रेसिपी को बनाने में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगते हैं। और ये मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, ये देखिए। तो ये हमारे पफ्ड राइस या मुरमुरा का लड्डू तैयार हो गया है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख के कम से कम 2 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। मुरमुरा लड्डू की रेसिपी के साथ इस बर्तन को क्लीन करने का भी तरीका आपको बता देती हूँ, शायद कुछ लोगों के काम आए। तो गैस ऑन करके इसमें 2 से 3 ग्लास पानी हम डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 3 ग्लास पानी डाल दिया है, ये देखिए। बस पानी को हाई फ्लेम पे गर्म होने दें, कुछ भी मेहनत नहीं करना है आपको। अगर आप इस बर्तन को ठंडे पानी से क्लीन करेंगे तो गुड़ जो है वो नहीं निकलेगा और बर्तन भी खराब होंगे स्क्रब करने में। ये देखिए, गर्म पानी डालते ही ये गुड़ जो है वो पूरा मेल्ट होकर पानी में मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं।
बस ये बर्तन जो है साफ़ हो गया है, गैस को ऑफ़ कर दें। अब देखिए ये जो चम्मच है वो भी क्लीन है, जितने गुड़ इसमें चिपके हुए थे वो निकल गए हैं। और इस पैन का पानी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो पैन है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। बस एक बार वॉशिंग लिक्विड से इसे क्लीन कर लें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी या फिर मेरे किचन टिप पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें।